दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जिंदगी में कभी कभार कुछ घटनाएं हमें अचंभित कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना अमेरिका के एली लोबेल नामक महिला के साथ घटित हुई। अपने अंतिम दिन गिन रही एली लोबेल को जब मधुमक्खियों ने काटा तो उन्हें जैसे कि संजीवनी बूटी मिल गई। इस घटना के बाद एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित एली लोबेल बिल्कुल स्वस्थ हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, आइए विस्तार में जानते हैं। एली लोबेल जब 27 वर्ष की थी तो उन्हें डियर टिक नामक कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद उन्हें लाइम नामक बीमारी हो गई। इस बीमारी में लोगों को तेज बुखार रहता है और शरीर पर जगह जगह लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और यह बीमारी अमेरिका में हर साल 3 लाख लोगों को होती है। इस बीमारी का इलाज तभी मुमकिन है अगर इसे तुरंत पहचान लिया जाए, वरना यह बीमारी लाइलाज बन सकती है। एली लोबेल के केस में भी ऐसा ही हुआ। जब उन्हें इस कीड़े ने काटा तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें किसी सामान्य सी मकड़ी ने काटा है, इसलिए उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। उस कीड़े के काटने के बाद उन्हें बुखार और दर्द महसूस होने लगा तो उन्होंने कोई सामान्य सी दवा ले ली, जिससे कुछ समय के लिए आराम तो मिल गया लेकिन उन्हें फिर से तकलीफ होने लगी और इस तरह एली ने 2 महीने निकाल लिए। लेकिन जब तकलीफ ज़्यादा ही बढ़ गई तो उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर के इलाज करने पर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला, जिस कारण उन्होंने दूसरे डॉक्टर से भी इलाज करवाया मगर तब भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला। इसी तरह वह साल भर तक डॉक्टर्स बदलती रहीं लेकिन उन्हें किसी भी डॉक्टर के इलाज से आराम नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर्स उनकी बीमारी को पहचान नहीं पा रहे थे। लगभग 1 साल बाद डॉक्टर ने उनकी बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब उनकी बीमारी लाइलाज बन चुकी थी। उनका इलाज शुरू किया गया लेकिन उनकी हालत और बिगड़ती गई और इस तरह 15 साल गुजर गए। एली लोबेल अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में पहुंच गई थी और उनका उठना बैठना चलना फिरना बहुत मुश्किल हो चुका था। अब वह केवल बेड या व्हीलचेयर पर ही रहती थी, यहाँ तक कि उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब वह केवल 3-4 महीनों की मेहमान है, जिसे जानकर वह अपना आखिरी समय अकेले में बिताने के लिए कैलिफोर्निया आ गई। उनके साथ केवल उनकी एक सेविका थी। उन्होंने अपना इलाज भी बंद कर दिया और वहीं रहकर अपनी मौत का इंतजार करने लगी। एक दिन ताज़ा हवा खाने के लिए वह कुछ समय के लिए कमरे से बाहर निकली और एक टूटी हुई दीवार के सामने खड़ी हुई। तभी अचानक ही एक मधुमक्खी उनके सिर से टकराई और देखते ही देखते वह पूरी तरह मधुमक्खियों से घिर गई। सारी मधुमक्खियां उन्हें काट रही थी, जिस कारण वह भाग नहीं पा रही थी। कुछ पल के लिए तो उन्हें यह लगा कि चलो अच्छा है, उनकी मौत आज ही हो जाएगी। कुछ देर बाद जब मधुमक्खियां वहां से उड़ गईं तो उनकी सेविका ने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से साफ मना कर दिया और घर आकर एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और अपनी सेविका को कहा कि वह कल उनकी लाश को संभाल लें। लेकिन एली लोबेल ना तो उस दिन मरी और ना ही अगले 3-4 महीनों में। मधुमक्खियों के जहर ने उनके लिए एक जीवन रक्षक दवाई का काम किया और उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। उनकी याददाश्त फिर से ठीक हो गई और उनके हाथ पैर भी ठीक हो गए। इस बात को 6 साल हो चुके हैं और आज एली लोबेल एक सामान्य इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। एली लोबेल को अफ्रीकन प्रजाति की मधुमक्खी ने काटा था। मधुमक्खियों के शरीर में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनसे वह शहद भी तैयार करती हैं और इन्हीं केमिकल्स ने एली लोबेल के लिए एक जीवन रक्षक दवा का काम किया।
आज वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का एक विषय बन चुकी है। साथ ही कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी इस मामले को समझने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एली लोबेल की इस कहानी के प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।